हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है, आप लोगों का एग्जामिनेशन का जो संभावित डेट है, जो लगभग डेट बताया गया है, वो 20 सितंबर का डेट है। बताया गया है कि अगर सब कुछ सिचुएशन सही रहे, एग्ज़ाम लेने की कंडीशन में रहेंगे, तो 20 सितंबर का डेट लगभग फाइनल कर दिया गया है कि उसी के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसके बाद जब एग्ज़ाम का डेट आ गया या अप्रॉक्स जो डेट बताया गया है, उसके बाद मेरे पास काफ़ी SMS आए हैं, मैसेजेज आए हैं, काफ़ी कॉल भी आए हैं। बहुत लोगों का इशू था कि काफ़ी टाइम हो गया है सर, अब कैसे इसको प्रिपरेशन किया जाए, एग्ज़ाम का डेट आ गया है, अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो कैसे प्रिपरेशन को शुरू किया जाए। कुछ लोग बोल रहे थे पढ़ तो रहे हैं बट वो याद नहीं रह पा रहा है, कुछ का अलग अलग इशू था, नंबर ऑफ इशूज थे, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ का याद करने का इशू था, कुछ क्या हो रहे थे कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे, शुरू नहीं कर पा रहे थे, मोटिवेट नहीं हो पा रहे थे एग्ज़ाम का। और कुछ ने पूछा भी है कि उनको कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए कि अच्छे मार्क्स आ जाएं एग्ज़ाम में और काफ़ी अच्छा वो स्कोर कर पाए। तो सारी चीज़ें जो इशू जो जनरेट हो रही है बहुत लोगों के माइंड में एग्ज़ाम का डेट देखकर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, कैसे कैसे उसको दूर किया जा सकता है, या फिर कैसे एक प्रॉपर वे है एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने का, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका कैसे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। बिकॉज अभी डेट है एग्ज़ाम में, आज आपका 1 अगस्त हो गया है और लगभग 20 सितंबर का डेट बताया गया है, तो अप्रॉक्स लगभग मैं मान रहा हूँ 50 डेज है, ऐसे शायद 48 या 49 डेज हो रहा है, बट 50 डेज मैं मान रहा हूँ, 50 डेज आपके पास फिलहाल रिमेनिंग है। तो इसमें कैसे हम लोग इसको ठीक करेंगे या कैसे एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, चाहे वो आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या आप डिप्लोमा कर रहे हो या कोई और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। जो मेथड है वो सबके लिए सेम ही अप्लाई होगा, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है बट जो मेथड है वो सबके लिए सेम अप्लाई होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें माइंडसेट करना होगा कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। तो आपको तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मुझे 20 सितंबर के आसपास का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, आपका टारगेट ऑलरेडी सेट है कि आपका जो टारगेट है वो 20 सितंबर का है, मतलब 20 सितंबर के बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो फिलहाल आपका टारगेट है। फिलहाल करंट सिचुएशन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका टारगेट फिलहाल वही होगा कि मुझे उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और उसके लिए काफ़ी नॉलेज भी मुझे गेन करना है। तो आपका टारगेट ऑलरेडी सेट है, मतलब आपका लॉन्ग टर्म टारगेट सेट हो गया है। फिलहाल दो मंथ का टारगेट सेट हो गया है कि 2 मंथ के बाद मुझे ऐसा 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 करना है, ये मेरा हमारा 2 मंथ का टारगेट हो गया है। तो आपका माइंडसेट ऑलरेडी हो गया है, आपको माइंड में सेट करना होगा कि मुझे 20 सितंबर को एग्ज़ाम अप्रॉक्स देना होगा। ये अभी नहीं सोचना होगा कि अच्छा होगा तो देखेंगे, आपको ऑलरेडी सेट कर लेना है कि 20 सितंबर को मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, चाहे वो हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए या डेट पहले हो जाए, कोई सा भी डेट हो, बट एक टारगेट आपको सेट कर लेना है कि वो एग्ज़ाम मेरा टारगेट है और उस एग्ज़ाम में मुझे एटलीस्ट 70% 80% 90% जो भी आपका टारगेट होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, वो आपको डिसाइड कर लेना है। अब हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट तो सेट हो गया है, अब इसको कुछ पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना होगा। बिकॉज अब एग्ज़ाम तो हमारा टारगेट है, वो तो लॉन्ग टर्म टारगेट हो, वो बड़ा टारगेट हो गया, लार्ज टारगेट हो गया, बट उसको कुछ छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल टारगेट में हमें उसको डिसाइड कर लेना होगा, डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो सकते हैं, 1st सेमेस्टर के हो सकते हैं, 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th और 6th का। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम तो आपका टारगेट हो ही गया। अब हम लोग क्या करना है, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उसका लिस्ट बना लेना है। आपके पास कोई डायरी होगा या फिर आपके पास कोई कॉपी होगा, जो कॉपी के फर्स्ट पेज पे आप लोग उस सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1st सेमेस्टर के लिए, फिलहाल कॉमन है वो सबके लिए, तो मैं 1st सेमेस्टर का एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। तो फिलहाल 1st सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो न्यू सिलेबस में आया है, सबसे पहले मैथमेटिक्स है, मैं लिख लेता हूँ मैथमेटिक्स। सेकेंड है हमारा अप्लाइड फिजिक्स, थर्ड है अप्लाइड केमिस्ट्री, फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल। ये जो ग्रुप 1 के लिए उसके लिए बात हो रही है, अगर आप ग्रुप 2 में होंगे तो आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस जो भी सब्जेक्ट होगा वो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा डायरी में या एक कॉपी में। ये 5 सब्जेक्ट है, किसी भी ब्रांच के आप कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, आपको आई थिंक 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो आप लोग ये 5 सब्जेक्ट जो भी आपके होंगे, चाहे आप मैकेनिकल 4th सेमेस्टर में हो या CSE 4th सेमेस्टर में हो या CSE 6th सेमेस्टर में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स 6th सेमेस्टर में हो या 5th सेमेस्टर में हो, जो भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट होंगे, आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ नोट कर लीजिएगा किसी एक पेज में, जिसको आप बार बार देख सकते हो या फिर आपके पास वो सामने अवेलेबल हो।
उसके बाद हम लोग क्या करना है, अब मैंने बताया जैसा कि लास्ट टारगेट हमारा एग्जाम हो गया, अगर स्मॉल टारगेट हम लोग को सेट करना है तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है और अप्रॉक्स आपके पास डेज जो है वो 50 डेज रिमेनिंग बच रहा है। आप देख लीजिएगा वीडियो जब भी आप देख रहे होंगे, फिलहाल मैं यहाँ पर 48 डेज या 49 डेज है तो मैं 50 डेज मानकर बना रहा हूँ। अगर आप कुछ दिन बाद अगर आप ये वीडियो देखते होंगे तो आपका डे कम हो जाएगा, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, 50 डेज है, तो इस सब्जेक्ट को हम लोगों को यहाँ पर 10-10 डेज में डिवाइड कर लेना होगा। अप्रॉक्स मैं मान रहा हूँ 10 डेज में अगर करेंगे तो हमारा, ये मैं उसके लिए मान रहा हूँ जो अभी तक शुरू नहीं किए हैं स्टडी, उनके लिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट स्टडी शुरू कर दिए हैं, कोई एक सब्जेक्ट उनका हो गया होगा तो वो डिवाइड अपने हिसाब से कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट का हो सकता है मैथमेटिक्स काफी स्ट्रॉन्ग होगा तो वो यहाँ पर 10 डेज ना लेकर 2-3 डेज 4 डेज में उनको कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से डेज को वेरी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सबको मान रहा हूँ कि आप फिलहाल अभी शुरू करने वाले हैं, अब तक आपने शुरू नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे 50 डेज को इक्वल इक्वल डिवाइड कर लेंगे। वो भी आप पर डिपेंड करेगा कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, किसी का हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो उनके लिए यहाँ पर वो डेज अपना कम कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं 10 लिख दिया हूँ तो सब में आपको 10 ही देना है, किसी का हो सकता है इंजीनियर ग्राफिक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो तो वो इंजीनियर ग्राफिक्स में 2-3 दिन लोग कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी सबको वो डेज को बढ़ा देंगे इंक्रीज कर देंगे। मतलब 50 डेज को आपको खुद से डिसाइड कर लेना होगा किस किस सब्जेक्ट को आपको कितना कितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपको अपना थोड़ा सा उसको देख लेना होगा, डिसाइड कर लेना होगा कि एक एक सब्जेक्ट को हम लोग को क्या क्या टाइम देना है। एक बार थोड़ा सा रफ डायग्राम आप रफ में लिख सकते हैं जिससे कि आपको लगभग अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट पर मुझे इतना फोकस करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर डेज डिसाइड कर लिया है, डेज मैं बता रहा हूँ बार बार डेज वेरी हो सकता है, वो अपने हिसाब से आपको देख लेना है कि कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा बेटर है, जो ज़्यादा टफ है या फिर आपको लग रहा है कि वो मेरा ज़्यादा वीक है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, और जो कम वीक है उसमें थोड़ा सा कम टाइम दीजिएगा जिससे कि वो आपका कवर हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल स्मॉल टारगेट में डिवाइड कर दिया है, अब यहाँ पर डेली टारगेट हमें लेना होगा। ये तो हमारा हो गया पर डे, ये डेज के हिसाब से टारगेट हो गया, अब हम लोग को डेली टारगेट यहाँ सेट करना होगा। अब डेली बेसिस पर टारगेट सेट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हम लोग को फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट करना है और अगर आप स्टडी शुरू कर रहे हैं, अब तक आप प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कोई इजी सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिएगा जिससे कि आपको बैठने में पढ़ने जब बैठिएगा तो आपको थोड़ा सा मन लगेगा। अदरवाइज अगर आप टफ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो जिसमें आपको मन नहीं लगता है वो अगर लेकर शुरू कीजिएगा तब फिर क्या होगा, शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको होगी। तो शुरू जब भी आप स्टडी कीजिएगा तो उस टाइम आपको वैसा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है जिसमें आपको वहाँ पर मन लगे। तो शुरुआत आपको वैसे सब्जेक्ट से करना है जो जिस पर थोड़ा ज़्यादा आपका कमांड हो, जिससे कि क्या होगा वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं शुरुआत मैथमेटिक्स से करूँगा, अगर मेरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं शुरुआत इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से करूँगा। उसी तरह से मेरा भी अगर मुझे भी पढ़ना होता है तो मैं सबसे पहले क्या करता, थर्मल इंजीनियरिंग ज़्यादा पहले मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा मन लगता है तो मैं उससे शुरू करता हूँ। आप देख लीजिएगा आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब डेली टारगेट हमें क्या लेना है, डेली हम लोग को टारगेट लेना है कि अब ये सब्जेक्ट मान लीजिए मुझे शुरू करना है मैथमेटिक्स, मुझे थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है तो मैथमेटिक्स में शुरू करूँगा। अब मैं उसका टारगेट लूँगा कि फर्स्ट डे जो हमारा है वो उस दिन मुझे उस मैथमेटिक्स का कितना पोर्शन कवर कर लेना होगा। मान लीजिए यहाँ पर 6 यूनिट है या 7 यूनिट है तो यहाँ पर 10 डेज है, तो मैं डिवाइड कर लूँगा कि अबाउट फर्स्ट डे 1 यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा अगर हो जाए या 1 यूनिट हो जाए या 1 से थोड़ा सा कम हो जाए तो हमारा टारगेट लगभग सेट रहेगा कि 10 डेज हमें कंप्लीट करना है, और अगर 7 यूनिट है या 6 यूनिट है तो अबाउट 0.7 या 0.8% अगर इच यूनिट का एवरी यूनिट का अगर कंप्लीट होता जाए डेली तो हमारा वो टारगेट सेट हो जाएगा। तो डेली बेसिस पर आपको एक दिन सोने से पहले या मॉर्निंग में जब जगेगा तो आपको उस दिन का टारगेट ले लेना होगा कि आज मुझे मैथमेटिक्स का इतना पोर्शन लगभग कवर कर लेना होगा जो भी आपका टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ाता हूँ तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपका 6 यूनिट है तो आपको फर्स्ट यूनिट मान लीजिए कि टारगेट आपका है 10 डेज का है तो आपको अबाउट इच यूनिट में 1.5 डेज के अप्रॉक्स लगभग वहाँ पर मिल रहा है। आपको डिसाइड करना है कि 1.5 डेज में 1 यूनिट कम से कम तो हो ही जाना चाहिए, अगर आप 10 डेज का टारगेट लिए हैं तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। और एवरी डे आपको डिसाइड कर लेना होगा कि मुझे यहाँ से यहाँ पोर्शन स्केल प्लेन स्केल आज कवर कर लेना है, आज डायगोनल स्केल कवर कर लेना है, उसी तरह से आज फ्री हैंड स्केच कवर कर लेना है। आपको पर डे का यहाँ पर डेली टारगेट ले लेना है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन एटलीस्ट कवर करना है, तभी मैं बाहर जाऊँगा या तभी मैं मोबाइल चलाऊँगा या तभी मैं मूवी देखूँगा, जो भी आपका है एक्स्ट्रा जो मतलब आप करना चाहते हैं इतना पढ़ने के बाद ही। और पढ़ने का भी मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है पर डे। फिलहाल अभी हम लोग कैसे एग्जाम पढ़ेंगे, एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे वो देख लेते हैं। तो डेली टारगेट हमने ले लिया, अब डेली टारगेट में कैसे हमें करना है,
एवरी मॉर्निंग आपको डिसाइड कर लेना है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का इतना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लेना है, या इस सब्जेक्ट का 10 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 15 पेज पढ़ लेना है। नोट्स अगर आपके पास है 15 पेज पढ़ लेना है, 20 पेज पढ़ लेना है, 10 पेज पढ़ लेना है। आपको सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, सब्जेक्ट कम टफ है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो डेली टारगेट ले लेंगे। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, एग्जाम है, उसको थोड़ा थोड़ा टारगेट में डिवाइड कर दिया, फिर थोड़े टारगेट में डिवाइड करके फिर डेली टारगेट ले लिया। अब डेली टारगेट अगर आप सेट कर लोगे तब आपको ऑटोमेटिक माइंड में वो जाएगा ही जाएगा नोटिफिकेशन कि मुझे अब पढ़ना है इस यूनिट, इस सब्जेक्ट का इतना यूनिट आप कवर कर लेना है। तो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो सेट हो जाएगा और एवरीडे आप उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दोगे। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू होगा बट आगे फिर आसान होता चला जाएगा, फिर ऑटोमेटिक आप अपने से खुद से पढ़ लोगे। पढ़ने टाइम बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है, ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ते जाना है। हाफ एन आवर पढ़ें, उसके बाद फिर 5 to 10 minutes का ब्रेक लिए, फिर जैसा जैसा आपका मन करता है उस हिसाब से कर सकते हैं। बट टारगेट आपको सेट करना है, उस टारगेट को डेली अचीव करना है, तभी आपका बड़ा सा टारगेट जो है एग्जाम का वो टारगेट अचीव होगा। तो छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते चलेंगे और फिर उसके बाद बड़ा टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। अब डेली हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, पढ़ तो रहे हैं, बट अब क्या करना होगा, आगे तो पढ़ रहे हैं बट पीछे का भी रिवीजन हमें करना होगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट यूनिट हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, या फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर नेक्स्ट डे हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट किया, तो फर्स्ट डे को सेकंड डे हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, देख लेना है कि कल हमने क्या क्या वहाँ पर पढ़ा था, कौन कौन सा फॉर्मूला था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या क्या मुझे याद नहीं हो रहा था, वो आपको रिवीजन करते चलना है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट ज़्यादा टफ होता है, तो क्या होता है 2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, फिर आगे जब पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला थोड़ा सा भूला हुआ लग रहा है। तो वैसे ही सिचुएशन में क्या करना है कि जो टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको अगर आप पढ़ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ें, फिर पीछे वाला क्वेश्चन में क्या क्या हमने देखा था उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करके देख लेंगे, फिर से वो माइंड में आ जाएगा, फिर उससे क्या होगा कि वो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। फिर सोने से पहले एक बार फिर से हाफ एन आवर का टाइम उसके लिए सेट कर लेंगे और फिर वहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। हम लोग रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस करना है, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही बट पीछे वाला भूलना नहीं है, उसके लिए रिवीजन हमें ज़्यादा करना है। रिवीजन आप करोगे तभी पीछे वाला पोर्शन याद रहेगा, अदरवाइज सबका माइंड वैसा ही रहता है, पढ़ोगे फिर भूलोगे, पढ़ोगे फिर भूलोगे। तो रिवाइज करते रहना है बैक साइड वाला, जो पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हमारा कवर हो गया उसके लिए भी थोड़ा सा पर डे का 1 आवर सेट रखना है कि उस सब्जेक्ट को 1 आवर हमें देखना ही देखना है पर डे। अदरवाइज क्या होगा, जब 50 डेज लास्ट हो जाएगा और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर से क्या लगेगा, ये सब थोड़ा सा भूला भूला हुआ लगेगा। तो 50 डेज तक सब्जेक्ट को कंप्लीट आगे होते ही रहना चाहिए, पीछे वाला भी पोर्शन आपका कंप्लीट रहना चाहिए, वो रिवाइज होते रहना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट आपका याद रहेगा और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स वहाँ पर गेन करके आओगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जब इस सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा आपको या कुछ फॉर्मूला मिलेगा, उसके लिए एक अलग सेपरेट शॉर्ट नोट बना सकते हो जो एग्जाम के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा या रिवीजन के टाइम में वो काम आएगा। जैसे कि कोई सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया, इसका कुछ फॉर्मूला है, उस पर एक सेपरेट छोटा सा नोट्स बना लेंगे, 1 पेज का 2 पेज का 3 पेज का 4 पेज का। बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, 2 से 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज में उसको कवर कर लेंगे। फॉर्मूला जो है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लेंगे, जिससे कि वो सब्जेक्ट का हमारा मेन चीज 5 से 10 पेज में वो कवर हो जाएगा। उसको क्या करते हैं, जब रिवीजन करना है तो हम लोग उसी को देख लेंगे या फिर एग्जाम के पहले हम लोग उसी को देख लेंगे, जिससे कि कम टाइम में वो हमारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो अबाउट अबाउट आप मैंने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है, आप इस तरीके से फॉलो करो। सबसे पहले आप मेन टारगेट ले लो, सेकंड थिंग उसके बाद फिर हम लोग उस टारगेट को डिवाइड कर लो, मतलब सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर कितने कितने डेज आपके पास रिमेनिंग बचे हुए उसको हर एक सब्जेक्ट में डिवाइड करके वहाँ पर आप मेंशन कर दो, और फिर उस हिसाब से आप डेली का टारगेट सेट करते जाओ कि आज मुझे इस यूनिट का, इस सब्जेक्ट का इतना यूनिट करना है, या 10 पेज करना है, 20 पेज करना है, 30 पेज करना है। बाकी चीज़ें अगर आप माइंड में सेट करोगे ऑटोमेटिक आप वहाँ पर पढ़ने बैठोगे ही बैठोगे, ऑटोमेटिक आप मोटिवेटेड रहोगे पढ़ने के रिगार्डिंग, ऑटोमेटिक आपको मन लगेगा पढ़ने में। सब्जेक्ट टफ होने की वजह से थोड़ा सा इशू होता है बट वो सबके साथ होता है, वो आपके साथ सिर्फ नहीं है, आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं, सारे लोग करते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट है वो भी करते हैं। आप थोड़ा सा अगर वीक हो तो आप भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दोगे तो आपका भी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप भी अच्छे मार्क्स वहाँ पर गेन कर सकते हो। तो यहीं पर इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। जो भी सिलेक्टेड कुछ अगर डाउट है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ाता हूँ और 6th semester मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, इसमें अगर कुछ आपको डाउट होगा या कोई पिक्चर आपको चाहिए होगा तो आप उसके लिए आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा वीडियो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।